नमस्कार, आज मैं बात करूंगा कि क्या सुबह सुबह हमें पानी पीना चाहिए उठते ही। तो दोस्तों, इसमें जो मैंने अनुभव किया है आज तक, हालांकि आज की तारीख में मैं खुद स्वयं सुबह सुबह उठ के 2 लोटा पानी पीता हूं, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको करनी क्या है? आपको वो करना है जो मैंने शुरू में किया था, जब डाइट की शुरुआत की थी। डॉक्टर लोग ऐसा बोलते हैं कि पानी पीने से पेट साफ हो जाता है, मान लिया, लेकिन तब क्या? जब आप कॉन्स्टिपेटेड है, जब आपको कब्जी है, तब क्या सिर्फ पानी पीने से आपका पेट साफ हो जाएगा? नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको प्रॉपर डाइट करनी पड़ेगी, और मॉर्निंग में पानी की जगह आपको ग्रीन जूस पीना पड़ेगा। जैसे कि करेले का जूस मैं आपको बताता हूँ, पालक टमाटर का जूस आपको बताता हूँ, इन दोनों में से किसी एक का ग्रीन जूस आपको लेना है। आपका पेट तभी साफ होगा। पानी पीने से तो कतई पेट साफ नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला है। हाँ, 1 वर्ष तक अगर आप डाइट को कर लेंगे, पूरी तरह से नेचुरल डाइट पर रहेंगे 1 साल तक, तो 1 साल के अंदर आपकी आंतें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि आप जैसे ही 1 लोटा 2 लोटा पानी सुबह सुबह पियेंगे, आपका पेट पूरी तरह से एकदम साफ हो जाएगा, वो भी अपने आप। आज मुझे ग्रीन जूस की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी आंतें जो है पूरी तरह से स्ट्रांग हो गई हैं, और सिर्फ पानी पीते ही आधे घंटे के अंदर एकदम बढ़िया से पेट साफ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आंतें जो है फिर से मजबूत हो गई है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब मैं कॉन्स्टिपेटेड था, कब्जी थी, पानी पीने से तो बिल्कुल भी पेट साफ ही नहीं होता था। थोड़ा बहुत हो जाता था, लेकिन ज़्यादातर अंदर ही पड़ा रहता था। लेकिन डॉक्टर्स लोग सिर्फ पानी जो है कहते हैं कि आप पानी की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर पानी पीजिए। तो दोस्तों, केवल पानी पीने से आपका पेट साफ नहीं होने वाला है। इवन कि नेचुरल डाइट में तो हम पानी को रेस्ट्रिक्ट ही कर देते हैं। क्यों रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं? क्योंकि आपके भोजन में ही इतना ज़्यादा पानी होता है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। 3 दिन पहले की मैं आपको जो है खुद का अनुभव बताता हूँ, पानी के ऊपर ही लेके। जनरली पूरे दिन में मैं 2 बार पानी पीता हूँ, 2 से 3 बार पानी मैं तभी पीता हूँ जब मुझे प्यास लगती है। बिना प्यास के मैं पीता ही नहीं पानी। प्यास लगता है तो पानी पीता हूँ, भूख लगता है तो खाना खाता हूँ, टाइम देख के, घड़ी देख के कभी नहीं। मॉर्निंग में पानी पीता हूँ, 1 बार पानी पीता हूँ तकरीबन 4-5 बजे, लेकिन उसी दौरान मैं बनाना भी खाता हूँ 5 बजे। बनाना खाने से पहले आधा घंटे पहले, 1.25 घंटे पहले पानी पी लेता हूँ, या फिर अगर बनाना खा लिया तो तकरीबन 1 घंटा बाद पानी पीता हूँ। अब जिस दिन सूरज पूरी तरह से निकला नहीं होता, धूप होती है, बादल होता है, या फिर बरसात हुई हो, उस दिन अगर मैं पानी पीता हूँ तो डाइजेशन उतना बेहतरीन तरीके से नहीं रहता। इवनिंग में जो मैं भोजन करता हूँ उतनी तीक्ष्ण जो है अग्नि नहीं रहती है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जिस दिन इस तरह का मौसम रहता है उस दिन मैं पानी पीता ही नहीं, और नेक्स्ट डे एकदम बेहतरीन जाता है, पेट भी बहुत अच्छे से साफ होता है। तो पानी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, रादर मैंने कंफर्टेबल फील किया और सब कुछ बढ़िया रहा, अग्नि भी बढ़िया रही। तो बिना प्यास के पानी पीना ही नहीं है। नेचुरल डाइट फॉलो करने वालों को तो पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि भोजन में ही इतना ज़्यादा पानी होता है कि आपको अलग से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसके अलावा पानी के बारे में मेरा एक और अनुभव है।
पानी खुद स्वयं एसिड और गैस बनाता है। अगर आपके यहाँ का पानी नहीं है अच्छा, तो पानी ही गैस एसिड बनाने लग जाएगा। ऐसे में क्या करें? ये समस्या मेरे साथ भी थी, मेरे यहाँ का पानी भी अच्छा नहीं था। लेकिन जब मैंने डाइट को शुरू किया तो पानी को कम्प्लीटली बंद कर दिया, क्योंकि मैं अनुभव कर चुका था कि पानी ठीक नहीं है, पानी ही दिक्कत कर रहा है, कहीं ना कहीं गैस एसिड बना रहा है। और जब मैं नेचुरल डाइट पे आया तो मुझे पानी की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और मैंने पानी पिया भी नहीं। और तकरीबन ऐसा 5-6 महीने तक लगातार मैंने किया, पीता तभी था जब मुझे प्यास लगती थी। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने डाइट को मॉडिफाई किया, फिर मिलेट्स को ज़्यादा किया अपनी डाइट में और रॉ को थोड़ा कम किया, तब मुझे पानी की आवश्यकता पड़ने लगी। और फिर मैं पानी उबाल के उसको कॉपर वाले जग में रख के फिर जो है 8-10 घंटे जो उसमें रखा रहता था, फिर जो वो पानी का सेवन करता था। तो इस तरह से दोस्तों, शुरू शुरू में ही जो है, अगर आप कॉन्स्टिपेटेड और सोचे कि मैं पानी पी के पेट साफ कर लूँ, तो ये नहीं होने वाला है। आपको मॉर्निंग में ग्रीन जूस लेना पड़ेगा। इवन कि मैं अभी जनवरी फरवरी तक ग्रीन जूस लेता था, बिना ग्रीन जूस के पेट अच्छे से साफ नहीं होता था, लेकिन अब आवश्यकता नहीं पड़ती। और प्यास लगे तो ही पानी पिए, बिना प्यास के जो है आप पानी ना पिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।